बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि एयर फ्रायर में और भी बड़ा कुछ बन सकता है। आज मैं कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। पकौड़े जो मैं वो हैं वो एयर फ्राई करूँगी और ग्रेवी सिंपल मैं बना लूँगी स्टोव पे। तो मैं दिखाऊँगी आपको अपना जो है एयर फ्राई। तो ये मेरा एयर फ्रायर है ब्लैक एंड डेकर का। ये है 1.4 लीटर और इसमें आप ये देखें फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, फ्रोज़न और जो फ्रेश होते हैं वो मीट भी बना सकते हैं, चिकन लेग्स, फिश ब्रेड भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी ये मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना मिनट्स लगेंगे, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली टाइम बताया हुआ है, कुकिंग गाइडेंस दी हुई है कि इतने टेम्परेचर पे रखें और इस तरह रखें। लेकिन आप अपने अंदाज़े से करें क्योंकि चीज़ की क्वांटिटी, उसकी थिकनेस और उसकी जो होती है थिननेस का भी हिसाब खुद ही रखना होता है। तो ये जो मैंने था खुद ही यूज़ करके तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ था। ये टाइमर के लिए है, मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊँगी। 60 मिनट्स तक, मतलब 1 आवर तक ये होता है। दोबारा भी आप इसको वो कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर के लिए है, तो मैं ज़्यादातर लास्ट टेम्परेचर पर 200 डिग्री पर ही ज़्यादा बनाती हूँ चीज़ें, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं या ये पकोड़े होते हैं जो हेल्दी पकोड़े होते हैं ये मैं बनाती हूँ। तो मैं ये अंदर से भी आपको दिखाती हूँ, इसको बस ऐसे ही प्रेस करके खोलते हैं और अंदर ये बास्केट है, इधर मैं पकोड़े अप्लाई करूँगी, मतलब इसको प्री हीट करती हूँ मैं पकोड़े डालने से पहले, तो इससे होता है ज़रा स्टिक नहीं होते वो। तो ये बास्केट है, तो इस बास्केट को आप इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे प्रेस करके बाहर निकाल के सर्व कर सकते हैं, तो इसे प्रेस करके वापस रख सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसको ज़रा प्री हीट करूँगी। इसको हम प्रेस कर लेते हैं अंदर। प्री हीट करने के लिए मैं कोई 10 मिनट से ज़रा कम करूँगी प्री हीट 200 टेम्परेचर पे, फिर मैं आपको बताऊँगी मैं पकोड़े कैसे रखूँगी अंदर। जी तो ये प्री हीट हो गया है, अब मैं इसे निकालूँगी इसे प्रेस करके। अब ये होगा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इससे ज़रा होगा ज़रा स्टिक नहीं होंगे। और ये मैंने पकोड़ों का मिक्सचर जो है रेडी किया गया है। ज़्यादा पतला नहीं करना आपने मिक्सचर, ज़रा थिक सा रखना है। और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने डाला है, आलू डाले हैं, प्याज डाला है, कसूरी मेथी ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और धनिया डालें, हरा धनिया और ज़ीरा और नमक मिर्च और चाट मसाला, इस तरह मैंने मिक्स करके रखा है ज़्यादा मतलब। और थोड़ा सा आप वो डाल दें बेकिंग सोडा, इस तरह करके बस आपने रखना है। और मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी इस तरह थोड़े थोड़े करके, ये खुद ही चिपक जाएंगे। जी और मैंने इस तरह रख दी है रफली, बिल्कुल एक्यूरेट शेप तो नहीं बनेंगे लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी पकौड़ों से तो बहुत बेहतर होंगे। मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रखूँगी पहले और फिर मैं इसे खोल के देखूँगी। इसको फ्लिप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ऊपर से भी पक जाएंगे नीचे से भी पक जाएंगे, कि अगर आप फ्लिप करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। और अगर ये चिपक भी जाए तो उसको भी निकालने का मैं तरीका आपको ज़रूर बताऊँगी। जी आफ्टर 10 मिनट्स मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। जी ये देखें ये पक रहे हैं, साइड से कुछ काफ़ी पक चुके हैं, लेकिन अभी मैं इसे जो हूँ 10 मिनट और दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल 10 मिनट नहीं 5 मिनट और देंगे इसे और ये बिल्कुल पक जाएंगे। और इनको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लिप करेंगे तो ये शेप खराब कर देंगे, चूमड़ बन जाएगा इसका। और मैं इसको अब 10 मिनट्स और दे रही हूँ। जी और ये रेडी हो गया है, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल सही हमारे पकोड़ा रेडी हो गए हैं।
और बहुत कम फ़र्क लगता है, इतना कोई वो नहीं लगता। मैं इसको आपको निकालना दिखाऊंगी। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको यहाँ से प्रेस करके इसकी बास्केट निकालेंगे, इसको सीधा इधर ले जाएंगे। इसको फौरन, क्योंकि चिपके होते हैं, ऐसे टर्नओवर कर देंगे। अगर हम वैसे उठाएंगे स्पून से तो बहुत मुश्किल होगी। इस तरह मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है बेसन वो आ जाता है, बहुत ही हल्के हाथों से या फिर ऐसे प्रेस कर लें तो वो सीधे नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल नीचे गिर गया, वेरी सिंपल एंड ईजी। देखा आपने, और ये हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें, अगर बीच में आप थोड़ा सा योगर्ट भी डालेंगे उससे और सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार बनी। नमक मिर्च भी बिल्कुल पूरी है। और जो मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं ना, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और ये बना के मुझे ज़रूर बताएं, इट्स रियली हेल्दी एंड गुड एंड यू कैन मेक इट।